2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की जमीनी हकीकत जानने वाली सपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए 114 सीटें गठबंधन में दी थी और कांग्रेस को महज 7 सीटों पर जीत मिली थी। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को बहुमत की जरूरत थी, तब सपा ने ही साथ देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई थी। कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार को बचाने में मुलायम सिंह यादव संकट मोचक साबित हुए थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ तल्खी भरे बयान देते रहे हैं और सपा कांग्रेस में तल्खी भी जबरदस्त बढ़ भी गई थी। हालांकि फिलहाल दोनों तरफ से माहौल सार्वजनिक मंचों पर तो शांत है, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस जब बड़ी पार्टी है तो फिर जिम्मेदारी तो कांग्रेस की है कि सभी को साथ लेकर चले, और त्याग भी तो बड़ी पार्टी को ही करना था, क्योंकि यूपी में तो सपा बड़ी पार्टी है और सपा ने तो बड़ी पार्टी होने के नाते 2017 के चुनाव में त्याग किया ही था, और अगर कांग्रेस त्याग नहीं कर सकती तो इंडिया गठबंधन के कोई मायने भी नहीं है। क्षेत्रीय दलों ने हमेशा ही बड़ा दल दिखाया है और बिहार विधानसभा के गत चुनाव में अगर आरजेडी ज्यादा सीट कांग्रेस को न देती तो तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बन गई होती। ये सच है, लेकिन कड़वा है कि बिहार में नीतीश लालू और यूपी में अखिलेश की लोकप्रियता और सियासी वजूद के सामने कांग्रेस बेहद कमजोर है, और ये सच कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए और करना भी पड़ेगा। बिना सच स्वीकार करे सिर्फ ख्याली पुलाव पकाए जा सकते हैं, भाजपा को सत्ता से बेदखल नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अति उत्साही है, शायद कांग्रेस को लग रहा है कि शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। खैर, सपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस और वहां की जनता को एक संदेश भी दिया है, बताया है कि पिछली बार किन किन सीटों पर सपा नंबर 2 थी और एक सीट पर तो सपा को जीत भी मिली थी। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज से एक पोस्ट की गई, लिखा गया कि मध्य प्रदेश की ये वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने सपा के वोट काटे और भाजपा को जीतने में मदद की। सपा इन सीटों और अन्य कई सीटों पर पिछले चुनाव में नंबर 2 पर रही थी। पूर्व में भी सपा मध्य प्रदेश में कई बार तमाम सीटें जीत चुकी है और भाजपा को हराया है। इस पोस्ट के साथ पूरा डाटा भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देश में इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा और सकारात्मक माहौल बना था, लेकिन कांग्रेस की गलती कहें या गुरूर, आज ही चर्चा होने लगी है कि क्या इस गठबंधन पर विश्वास किया जा सकता है। यूपी की बात करें तो भाजपा के मुकाबले सपा, रालोद और अन्य कुछ दलों का जो गठबंधन है वही मजबूत है। हाँ, अन्य जो भी दल जुड़ेंगे उसमें चाहे कांग्रेस भी हो तो निश्चित रूप से गठबंधन को मजबूती मिलेगी। उसी तरह जिस तरह सपा मध्य प्रदेश में गठबंधन में होती तो कांग्रेस को फायदा मिलता, लेकिन कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिहाज से बड़ी गलती तो की है। जीतने वाली और नंबर 2 वाली सीटों पर तो मध्य प्रदेश में सपा का हक था। हाँ, इसमें बातचीत के माध्यम से कुछ समझौता भी हो सकता था। खैर, अगर हम ये भी कहें कि हमें नहीं पता कि गलती किसकी है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए सपा कांग्रेस में मतभेद बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यूपी से हर राजनीतिक संदेश दूर तलक जाता है और मध्य प्रदेश भी बड़ा राज्य है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हार मिलती है तो परिणाम के बाद सपा को जिम्मेदार बताने की कोशिश भी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस को बताना चाहिए था कि इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के स्तर पर नहीं है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में यूपी से सटे बुंदेलखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक प्रभाव है। खैर, सपा कांग्रेस की ओर से लगातार चल रही तल्ख बयानबाजी पर विराम तो लगा है। सपा नेता सुनील साजन ने यह भी कहा है कि सपा जो सीट जीतेगी समर्थन कांग्रेस को ही होगा। अखिलेश यादव भी नरम हो गए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब यूपी में सीट बंटवारे का मुद्दा उठेगा, यानी कि इंडिया गठबंधन रहा तो कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड तो करेगी ही। खैर, मध्य प्रदेश में सपा कितना दम दिखाएगी ये वक्त बताएगा। हालांकि यादव मतदाता मध्य प्रदेश में 12 से 14% हैं।